जापानी कंपनी होंडा जल्दी अपने बैटरी से चलने वाले व्हीकल लॉन्च करने की योजना बना रही है। ऐसे में न्यूज आ रही है कि होंडा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइकिल जापान मोबिलिटी शो में शोकेस कर दी गई। ऐसे में कई लोग बता रहे हैं कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक साइकिल को आने वाले कुछ ही साल में लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें हमें 700 वाट की BLDC हब मोटर के साथ साथ बैटरी देखने को मिल सकती है। हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल में हमें अब तक के सबसे शानदार फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इस साइकिल के बारे में आइए बात करते हैं डिटेल से। होंडा कंपनी ने अपनी इस इलेक्ट्रिक साइकिल को टोक्यो में हुए जापान के मोबिलिटी शो में शोकेस किया था। और जैसा कि हमें सभी को पता है कि होंडा कंपनी जापान की लीडिंग जापानी मोटरसाइकिल कंपनी है। कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक साइकिल को 700 वाट की BLCD DC मोटर से जोड़ेगी, जो कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल को लगभग 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार भी प्रदान करेगी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक साइकिल में हमें काफी तगड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल को लगभग 160 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। और इस इलेक्ट्रिक साइकिल में हमें फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी देखने को मिल सकती है। बात करें प्राइस की, तो होंडा कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक साइकिल को 2024 के लास्ट तक लॉन्च कर सकती है और इसकी प्राइस भी लगभग 85,000 से 1,00,000 रुपए के बीच हो सकती है।